अस्सलामुअलैकुम, जहरा किचन विद ब्लॉग में आप सबका वेलकम है। आज मैं बनाने जा रही हूँ करेले की सब्जी। और करेले को मैंने आधे किलो लिया है और उसे मैंने नमक के पानी में उबाल लिया था ताकि इसका कड़वापन निकल जाए सारा। और इसमें मैं मसाले डालूंगी। वो 4 बड़ा चम्मच धनिया लिया है पिसा, 4 बड़ा चम्मच सौंफ ली है, 1/6 चम्मच हल्दी ली है और नमक लिया है स्वाद अनुसार। 10-12 हरी मिर्चों के टुकड़े कर लिया था, 4 कच्चे आम के टुकड़े लिए हैं, 4 छोटे साइज के प्याज ली है जिसे मैंने काट लिया है, 4 छोटे साइज की प्याज ली है जिसे मैंने पेस्ट बना लिया है। करेले को मैं बनाने जा रही हूँ और बर्तन को मैंने पहले ही गैस पर रख दिया था, अब वो गर्म हो चुका है। अब मैं उसमें ऑयल डालूँगी। मैंने 5 बड़ा चम्मच ऑयल डाला है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है, अब मैं उसमें प्याज डालूंगी। इसमें मैं हरी मिर्चें भी डाल दूंगी और कच्चे आम के टुकड़े। प्याज को मैं अच्छे से तला लूंगी। प्याज हो चुकी है और अब मैं करेलों को इसी में डाल के अच्छे से चला लूंगी। अब मैं अच्छे से चलाऊंगी प्याज के साथ। अब 5 मिनट तक मैं इसको चलाऊंगी प्याज के साथ करेलों को। प्याज और करेले हो चुके हैं, अब मैं इसमें प्याज और लहसुन का पेस्ट डालूंगी। और इसे अच्छे से चला दूंगी। एक भी बूंद पानी नहीं पड़ेगा इसमें, बिना पानी के पकेगी ये सब्जी। अच्छे से चलाऊंगी इसको। अब मैं इसमें सारे मसाले डाल दूंगी और अच्छे से चला लूंगी। एक भी बूंद पानी नहीं पड़ेगा इसमें, बिना पानी से पकेगी करेले की सब्जी। मैंने इसे अच्छे से चला दिया है, अब मैं इसको 2 मिनट के लिए ढक दूंगी ताकि ये बन जाए। अब मैं इसे उघाड़ कर देखूंगी। ये बन चुके हैं और अब मैं इसे सर्व करूंगी। मैंने गैस बंद कर दी है। ये बनकर तैयार हो चुके हैं और बहुत ही अच्छे और बहुत ही प्यारे बने हैं मसालेदार बिना पानी से। मैंने इसे सर्व कर लिया है और ये बहुत अच्छे बने हैं मसालेदार बिना पानी से, बिना पानी की सब्जी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।